सो वेलकम बैक गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं ARK सर्वाइवल इवॉल्व। सो आज के एपिसोड में हम वेरियोनिक्स को टेम करने वाले हैं और मुझे 115 लेवल का वेरियोनिक्स मिल चुका है, इसे हम टेम करेंगे। बट उससे पहले हमें ट्रैप बनाना पड़ेगा और ट्रैप बनाने के लिए हमें पहले बेस पर पहुंचना पड़ेगा। तो हम बेस पर पहुँच कर मिलते हैं और ट्रैप को क्राफ्ट करते हैं। अभी हम बेस पर आ चुके हैं और मैंने बहुत सारा वुड भी इकट्ठा कर लिया है जो कि हम ट्रैप बनाएंगे। अभी हम क्राफ्ट कर लेते हैं, हमें वुड का ट्रैप बनाना है। तो पहले हम ये 4 बेस क्राफ्ट करेंगे, उसके बाद हम ये बॉल क्राफ्ट करेंगे। तो गाइस, जब तक ये ट्रैप क्राफ्ट हो रहा है तब तक आप लोग अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है जिसमें ARK के मैंने सारे डायनासोर को मैंने टेम किया है। जिस डायनासोर को आपको टेम करना है उसका वीडियो आप लोग देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो फाइनली हमारा सारा ट्रैप अभी क्राफ्ट हो चुका है, हम चलते हैं जल्दी से जहाँ पर ये हमें ट्रैप लगाना है और जहाँ पर हमें हमारा टेम करने वाला डायनासोर मिलेगा। अभी गाइस हम आ चुके हैं और इधर ही हम अपना ट्रैप बनाएंगे। तो आप लोग भी देख लो, ट्रैप बहुत सिंपल सा मैं बनाने वाला हूँ क्योंकि मैं ये RJ के ऊपर उसको लेकर आऊँगा, RJ से पकड़ कर लाऊँगा और इसी ट्रैप के अंदर मैं डाल दूँगा। और मैं गेट भी लगा दूँगा ताकि अगर ऐसा ना हो तो फिर हम उसको दूसरे आइडिया से हम फिर उसको इसमें फंसाएंगे अपने ट्रैप में। अभी मैं एक नॉर्मल सा ट्रैप बना लेता हूँ। ओके, 2 वॉल इधर लग गई, अभी एक हमें गेट लगाना चाहिए इधर। तो गेट फ्रेम भी लग गया, अभी एक गेट फ्रेम इसलिए मैंने लगाया ताकि अगर मैं अंदर फंस जाऊँ तो मुझे निकलना भी तो पड़ेगा ना। ऑल राइट, इधर भी एक लग गया और इधर भी 2 लग जाएंगे। तो हमारा भी ट्रैप कंप्लीट हो चुका है, बस हमें अभी तो अब हमें बस रैंप लगाना है और उसके बाद हमें वेरियोनिक्स को पकड़ कर लाना है इसी ट्रैप में। और ये रैंप मैंने लगा दिया, एक और रैंप लगा देता हूँ। अब हमारा इतना ही काम बाकी है कि हम वेरियोनिक्स को पकड़ कर लाएँ अपने इस ट्रैप में। तो हम अगर RJ से उसको पकड़ कर लाएंगे तो काफ़ी हेल्प हो जाएगा और बहुत जल्दी वो उसको हम टेम भी कर सकते हैं। मैंने देखा था वो शायद से आगे मिलेगा, हमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, बट ये इधर ही था कहीं पर, हम देख लेते हैं। तो गाइस हमें मिल चुका है अभी, इसे बस अब पकड़ना है। 115 लेवल वाला ही है, अभी देख लेते हैं ये कहाँ पर जाएगा। तो हम इधर अगर बैठ जाएंगे तो वो आएगा, बट वो नहीं आया तो हम उधर ही से उसको पकड़ कर अपने ट्रैप पर लेकर चलेंगे। ऑल राइट गाइस, ये पकड़ आ चुका है, अभी इसको हम जल्दी से ट्रैप पर लेकर जाते हैं वरना ये तो हमें मार देगा। ऐसे ही ज़्यादा डैमेज तो हमें नहीं पड़ रहा, बट थोड़ी देर में हम मर भी सकते हैं। सॉरी, मतलब RJ हमारा मर सकता है। इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ ताकि शांत हो जाए, बट ये लगातार हमें डैमेज दे रहा है। हम पहुँचने ही वाले हैं अपने ट्रैप में, एक बार हम ट्रैप में इसको फंसा दें उसके बाद हम इसको डाउन कर देंगे बड़े आराम से। ऑल राइट, हम पहुँचने वाले हैं। तो हमारा आगे एक ट्रैप है, अब इसको हमको ट्रैप में डालना पड़ेगा। हम आ चुके हैं अपने ट्रैप में, अभी इसको हम अंदर गिराते हैं, बट हम भी इसी में फंस चुके हैं, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ऑल राइट, ये हमारे ट्रैप में फंस चुका है, अब ये नहीं निकलेगा जब तक टेम ना हो जाए। तो हम इस पत्थर के ऊपर चढ़ के इसको डाउन करेंगे। तो गाइस, ये हमारे ट्रैप में फंस चुका है, बट इसको डाउन करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो का स्पीड बढ़ा देता हूँ। Thank you.
फाइनली गाइस ये डाउन हो चुका है, अभी ये डाउन हो चुका है। और एक बार हम चलकर देख लेते हैं इसका टॉर पर कितना चढ़ा है, सॉरी मतलब कि टॉर पर कितना है और कितना जल्दी उतर रहा है, क्योंकि हमारे पास नारकोटिक केवल 200 है और सब इसका टॉर पर तो बहुत जल्दी कम नहीं हो रहा है, तो यही अच्छी बात है। अभी इसको हम जल्दी से फूड फीड करते हैं और देखते हैं कहाँ पर है इसका फूड। तो ये रहा, इसे हम डालते हैं, बट ये क्या, ये खा नहीं रहा, तो क्या हमें इसे फ्रूट खिलाना पड़ेगा। अभी मैं ये लेमन खिला कर देखता हूँ, बट ये लेमन से भी नहीं हुआ, तो मुझे क्या लग रहा है कि ये मछली से होगा। ओके गाइस, ये मछली से ही टेम होगा। अभी से हमें मछली का मीट खिलाना पड़ेगा। ऑल राइट गाइस, तो हम मछली का मीट बहुत जल्दी हमें लाना पड़ेगा, बहुत सारा, क्योंकि वो 10 मीट खा चुका, 10 मैंने मार के देखा है। अभी जल्दी से मिनी सबको मार कर चलते हैं, बट ये भाग गई। तो इधर ऐसे बहुत सारे मछली हैं, हम इसको मार कर इसका मीट लेंगे। ओके, 9 मीट हमें मिला, बट ये पिराना सा नहीं, अभी इनको भी हम मार कर इनका मीट लेंगे। इससे भी हमें कुछ मीट मिल गया है। अभी ये 2 खतरनाक मछलियाँ हैं, इन्हें हम ख़त्म करते हैं और मीट लेते हैं। और कई सारी आ चुकी हैं, बट ये हमें नहीं मार पाएंगी, इतना तो हमें यकीन है। अभी काफ़ी सारा हमने मीट इकट्ठा कर लिया है, अभी चल के उसको हम फीड करेंगे, फिर देखते हैं। तो ये 5% टेम भी हो चुका है। अभी मैंने 43 मैंने इकट्ठा कर लिया। अभी हमने मछली का मीट रख दिया और हम नारकोटिक भी रख देते हैं, हमारे पास 200 है, बहुत ज़्यादा है, इतना लगेगा भी नहीं। और हम जल्दी से अपना ये थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर देते हैं इधर। और गाइस हमें इसका भी सैडल भी बनाना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा सैडल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। अभी इतना मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, सैडल हम एक बार चेक कर लेते हैं इसका। तो सैडल मुझे पता भी नहीं है कितने लेवल में ओपन होगा इसका, देख लेते हैं, 49 लेवल में। तो ये तो हो चुका है, बट ये स्मृति में खुलेगा, बट हमारा आरजे का भी तो स्मृति है, इसलिए होगा। ये अभी क्राफ्ट हो रहा है, उसके बाद हम मिलेंगे आपसे टेम होने के बाद। फाइनली गाइस ये टेम हो चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है और ये फुल टेम हो जाएगा। तो गाइस ये उठ चुका है, अभी हमने इसको टेम कर लिया, 127 लेवल का ये हो चुका है। और मैंने इसका सैडल भी कलरफुल कर दिया है। अभी हमें घर की ओर चलना पड़ेगा, अपने बेस में। A few moments later. तो गाइस हम फाइनली अपने बेस पर आ चुके हैं, और आपने देखा हम कितने आसानी के साथ बैरियोनिक्स को टेम कर लिया है, और ये 127 लेवल का बैरियोनिक्स है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।